राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारी परंपरा में भगवान राम का स्मरण करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसका कारण यह है कि राम केवल एक ईश्वर का ही स्वरूप नहीं, ईश्वर का स्वरूप होते हुए उन्होंने जो मानव के समान नरलीला की है वो भी बड़ी आकर्षक और अप्राकृतिक है, और उससे मानव जाति का बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। क्योंकि भगवान राम के चरित्र में यही देखा जाता है कि एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के घर में अवतार लेने के बाद भी वो जब उनको उनकी विवाहता कहती है कि तुम्हें 14 वर्ष तक जंगलों में जाना पड़ेगा तो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े फायदे की मेरे का बात हो गई, क्योंकि मुनिजन मिलन विशेष वन सभी भांति तमोर, जंगल में जाने से तो महात्मा के चरण छूने का मुझे साक्षात अवसर मिलेगा, उनका सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा, और उसके बाद माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करने का अवसर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी वजह से यदि मेरा भैया भरत राजा बन जाए तो इससे बढ़िया और सौभाग्य की क्या बात है, ये मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और इस प्रकार से वन को प्रस्थान करते समय बड़े प्रसन्न हुए, आज मेरा सबसे बड़ा दिन है, मैं राम होते हुए वन के महात्माओं के चरण छूने जा रहा हूँ। इस प्रकार से जंगली फल फूल और बिल्कुल तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए राम जी ने संपूर्ण ऋषियों के महान कष्ट को दूर किया, ऋषियों के ऊपर होने वाले जो नाना प्रकार के अत्याचार थे उन अत्याचारों को नष्ट करने के लिए उन्होंने ही धनुष बाण उठा करके और रावण के विशाल साम्राज्य का ध्वंस कर दिया, और रावण ने जो अत्याचार करना कर रखा था जिसके कारण से सारा त्रैलोक्य दुखी था, सारे त्रैलोकी के दुख को उन्होंने दूर किया, और सबसे ज़्यादा ये कि अपने जीवन में उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, लंका का सारा राज्य जीतने के बाद भी लंका का एक पैसा भी, सारी लंका को कहते हैं स्वर्णमय थी लेकिन उस स्वर्णमय लंका से उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, जो कुछ था वो लंका वासियों को फिर से वापस दे दिया, विभीषण को ही वहाँ का राजा बनाया, किष्किंधा का राजा महाराजा सुग्रीव को ही बनाया। इस प्रकार से जहाँ भी उन्होंने विजय तो प्राप्त की लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद भी वहाँ से किसी प्रकार का आर्थिक संकलन करने की कोई चेष्टा नहीं की, सब वहाँ के लोगों के ही कल्याण के लिए लुटा दिया गया। इस प्रकार से सारा जीवन उनका देखा जाए बहुत ही तपोमय और सारे मानव समाज को प्रेरणा देने वाला है। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होते हुए अपने जीवन में उन्होंने केवल एक पत्नी व्रत रह करके और अपने जीवन को तपोमय जीवन के रूप में व्यतीत किया, भाइयों को इस प्रकार से लाड़ प्यार दिया, इस प्रकार से अपनाया कि इस प्रकार से आदर्शमय यदि जीवन हो जाए, भाइयों का इस प्रकार से संबंध हो जाए तो संसार में बहुत कुछ जो है झगड़े अपने आप समाप्त हो जाए। राम का जीवन जो है इस प्रकार का आदर्शमय है कि उसके अनुसार चल करके सारे मानव जाति का कल्याण हो सकता है। इसलिए आज भी हमारे मुंह से यदि राम राम निकलता है तो अपने आप को धन्य मानते हैं। हमारी परंपरा में राम शब्द का इतना महत्व है कि और कुछ न हो, मरते समय भी जब हम लोगों की लाश चलती है तो उस समय लाश के पीछे भी राम 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 सत्य है करते हुए उसको ले जाने से हम लोग समझते हैं कि इस
गए हुए जीव का उद्धार हो जाएगा। तो राम राम कहते हुए अंतिम समय भी हम यात्रा हमारी होती है, और यही हमारे जीवन का सचमुच का एक लक्ष्य है कि हम राम के होकर के रहें, राम को होकर के जिए, तो हमारा और हमारे विश्व का कल्याण होगा। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में आप लोगों ने सुना अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी, नाम गुरुजनों का नहीं लेना चाहिए, दादा गुरुजी देवराव बाबा जी के तीन प्रधान शिष्य थे, उनमें सरकार का और सानिध्य हम लोगों को मिला मिलता रहा, ही हम सरकार के ही चरणों में रह कर के हम लोग बड़े हुए हैं, सीखे हैं, और आज भी प्रयास कर रहे हैं अगर एक अंश भी जीवन में उतार लें जीवन आनंद में हो जाए। और हमारे निवेदन पर सरकार ने हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया। जय श्री राम।